हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएसयू वीडियोस। मैं प्रेरणा गहलोत और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस थर्मोडायनेमिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मोस एंड डायनेमिक। थर्मोस का मतलब होता है हीट या उष्मा, डायनेमिक फ्लो या प्रवाह। यानी कि हम इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, स्टडी ऑफ हीट फ्लो। थर्मोडायनेमिक की कुछ टर्म्स भी आती है तो हम पहले वो भी देखते हैं। थर्मोडायनेमिक में तीन टर्म्स आती है, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सराउंडिंग, थर्ड बाउंड्री। सिस्टम किसे कहते हैं? नेक्स्ट, सिस्टम यूनिवर्स का वह पार्ट जिसे हम स्टडी के लिए लेते हैं। यूनिवर्स का वह पार्ट जिसे हम स्टडी के लिए लेते हैं या जिस पर हमारा फोकस होता है, वो हमारा हो जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट आता है सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का ऑल एरिया होता है सराउंडिंग। नेक्स्ट है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली, अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे एग्जांपल देखें तो एक बाउल है, उसमें पानी लेते हैं हम, ये अपना हो गया इस बाउल में पानी। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो अभी हमारा फोकस किस पे है? पानी के ऊपर है। तो हम जिस पे हमारा फोकस होता है वो अपना क्या होता है? सिस्टम। ये बाउल, ये बार के एरिया से इसको सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, तो ये क्या हो गया अपना? बाउंड्री। हमने यहाँ पे देखा ना बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो परिसीमा होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो ये बार के एरिया से इसको अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो ये अपना हो गया बाउंड्री। और इसके अलावा जो बार का स्पेस का जो ऑल एरिया है, यूनिवर्स का ऑल एरिया, वो हो जाएगा सराउंडिंग। जिस पे हमारा फोकस है सिस्टम, तो यूनिवर्स का इसके अलावा ऑल एरिया है वो हो जाएगा अपना सराउंडिंग। इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो परिसीमा है वो हो जाएगी अपनी बाउंड्री। ये होते हैं थर्मोडायनेमिक में के तीन टर्म।